एक सेठ को सपने में लक्ष्मी जी ने कहा, अब मैं तुम्हारे घर से जाने वाली हूँ, जाने से पहले तुम्हें मुझसे जो भी मांगना हो मांग लो। सेठ बोला, कल सुबह अपने परिवार से सलाह करके मांग लूँगा। सुबह सेठ की आँख खुली तो उसने घर वालों को सपने की बात बताई। परिवार में किसी ने धन दौलत मांगने की बात की तो किसी ने महल मांगने को कहा, लेकिन सेठ की छोटी बहू चुपचाप खड़ी थी। सेठ ने पूछा, बहू तुम भी कुछ बताओ। बहू बोली, पिताजी जब लक्ष्मी जी हमारे घर से जाना ही चाहती है तो यह सब खजाना मिलने पर भी हमारे पास देर सवेर कुछ भी नहीं बचेगा, हम आपस में लड़ झगड़ कर सब नष्ट कर देंगे। आप तो लक्ष्मी जी से कहिए कि हमारे परिवार में सद्भावना बनी रहे, हम सब मिलजुल कर रहेंगे तो विपत्ति के दिन भी ठीक से गुजर जाएंगे। सेठ को छोटी बहू की बात ठीक लगी। दूसरी रात लक्ष्मी जी ने सेठ से पूछा, बोलो क्या मांगना चाहते हो। सेठ बोला, देवी जाने से पहले हमें यह वरदान देने की कृपा करें कि हमारे परिवार में परस्पर प्रेम सद्भावना और आपस में मेलजोल बना रहे। लक्ष्मी जी बोली, तुमने ऐसा वरदान मांगा है कि अब मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती, क्योंकि जिस कुटुंब में प्रेम प्रीति और सद्भावना होगी वहाँ से मैं कैसे जा सकती हूँ।